तो दोस्तों फाइनली चाइना के अंदर Realme X2 Pro को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। और दोस्तों स्मार्टफोन का जो लॉन्च इवेंट था इंडिया के अंदर वो दिसंबर के महीने का था, बट दोस्तों स्मार्टफोन का लॉन्च इवेंट प्री शेड्यूल कर दिया गया है। इस स्मार्टफोन को Realme बहुत जल्द यानी 20 सितंबर को इंडिया में लॉन्च करेगी, जो कि Realme ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया अपने एक ट्वीट के द्वारा, जिसमें कि दोस्तों Realme ने ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि 20 सितंबर को इंडिया के अंदर Realme X2 Pro को लॉन्च करेगी Realme। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन आता है स्नैपड्रैगन के 855 प्लस के प्रोसेसर के साथ। साथ ही में स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है। और इस स्मार्टफोन में सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपको 15 वाट के वूक के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि आपके फोन को बहुत ही फास्ट चार्ज कर देगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले इस स्मार्टफोन के कंफर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि चाइना में ऑफिशियली रिवील हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें स्मार्टफोन की डिजाइन और डिस्प्ले से, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला ग्लास बैक का डिजाइन, जो कि आने वाला ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ, जैसा कि Realme XT में हमें देखने को मिला था। और उसके साथ ही दोस्तों बैक साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला 90 GHz के डिस्प्ले के साथ, जो कि आपके फोन में बहुत ही बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस रखने वाला है। अगर आप इस स्मार्टफोन में गेमिंग करते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन में। आपको इस स्मार्टफोन में OnePlus 7T Pro जैसा ही एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है OnePlus 7T Pro के जैसा ही। और उसके साथ ही दोस्तों डिस्प्ले में ही आपको बहुत ही छोटा सा एक नॉच भी देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला 16 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों डिस्प्ले के अंदर ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के प्रोटेक्शन की, तो फ्रंट और बैक दोनों तरफ ही आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है इस स्मार्टफोन में। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की बैक साइड की कैमरास की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट, जो कि प्राइमरी 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आने वाला है, जो कि होने वाला है सैमसंग GW1 का सेंसर। और उसके साथ ही 13 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस, 8 मेगापिक्सल का 115 डिग्री वाला एक कैमरा, और उसके साथ ही 2 मेगापिक्सल का एक और कैमरा देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन में। और फाइनली बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, जो कि सबसे हाईलाइट फीचर इस स्मार्टफोन की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला स्नैपड्रैगन के 855 प्लस का प्रोसेसर, जो कि आता है एंड्रीनो के 640 के GPU के साथ, जो कि आपके फ़ोन को बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला है। यानी दोस्तों यह फ़ोन बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि आपको इस स्मार्टफोन में UFS 2.1 का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज तक। और आपको यहाँ पर जो 12GB का रैम देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन में, उसमें आपको UFS 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 4000mAh की बैटरी, जो कि आने वाला है 15 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, जो कि USB Type-C को सपोर्ट करती है और आपके फ़ोन को 30 मिनट के अंदर ही फुल चार्ज कर देगी। और उसके साथ ही दोस्तों बात कर ले स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट, जो कि आने वाला ColorOS 6.1 के साथ। एंड फाइनली बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज की स्टार्टिंग प्राइस चाइनीज रुपीज़ के हिसाब से 26,000 रुपीज़ की करीबन पड़ती है। और यहाँ पर आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की प्राइसिंग 29,000 रुपीज़ की करीबन देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपको सबसे वीक वेरिएंट 12GB रैम 256GB का भी एक देखने को मिलता है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 33,000 रुपीज़ की करीबन चाइना में देखने को मिली है। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन का प्राइसिंग, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। एंड फाइनली बात करें स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर 20 नवंबर को लॉन्च किया जाने वाला है। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कंफर्म लीक्स, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।